वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मिल्क से क्रीम का सेपरेशन स्टडी करेंगे। मिल्क से क्रीम का सेपरेशन जिस मेथड से होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिसमें किसी भी चीज को तेजी से गोल गोल घुमाया जाता है, तो उससे क्या होता है, मिल्क में से क्रीम सेपरेट हो जाता है। कैसे सेपरेट होता है, तो देखिए, क्रीम सेपरेटर मशीन होता है जो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का ही एक टाइप हुआ क्रीम सेपरेटर, क्योंकि वो क्रीम को सेपरेट करता है, इसलिए क्रीम सेपरेटर भी बोल सकते हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जो वहां देख रहे हैं इमेज, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऊपर से मिल्क डाल दिया हमने, ठीक, और मिल्क डालने के बाद खूब तेजी से उसको घुमाएंगे। वो अंदर ऑटोमेटिक मशीन है, जब स्विच ऑन करेंगे तो तेजी से घूमेगा, और घूमने से क्या होगा, तो डेंसर, जो डेंसर कंपोनेंट होता है मिल्क का, चाहे किसी भी चीज का, जब भी हम तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो भी डेंसर कंपोनेंट होगा वो नीचे की ओर फोर्स होगा। ओके, तेजी से जब घूमेगा ना तो ऐसे इस साइड में क्या हो जाएगा, ऐसे उसका जो भी वेटेज रहेगा वो नीचे जाएगा। तो मिल्क में वाटर और प्रोटीन जो होगा वो फैट या क्रीम के रिस्पेक्ट में हैवियर होता है, तो वाटर और प्रोटीन नीचे की ओर दबते जाएगा, और जो यानी कि वो बॉटम की ओर फोर्स हो जाएगा। वाटर और क्रीम कहा, वाटर और प्रोटीन कहां चला गया, बॉटम की ओर, और जो लाइटर पार्टिकल है, ये लाइटर पार्टिकल जो है वो लाइटर पार्टिकल कहां रह जाएगा, ऊपर, और लाइटर पार्टिकल में है क्या, क्रीम। क्रीम या फैट जो होता है वो प्रोटीन और वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, लाइटर है, तो लाइटर पार्टिकल ऊपर रह जाएगा और जो हेवियर है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि उसमें दो आउटलेट है, तो ऊपर वाला आउटलेट जो है उससे क्या निकल रहा है, क्रीम निकल रहा है, और उधर नीचे वाला जो आउटलेट है उससे क्या निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है, वो भी विदाउट फैट। तो इस तरह से हमने क्या किया, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लिया। लिखेंगे क्या, तो मेथड यूज इज हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन व्हेन मिल्क इज सेंट्रीफ्यूग बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को यूज करके मिल्क को क्या करें, सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द डेंसर कंपोनेंट ऑफ मिल्क दैट इज वाटर एंड प्रोटीन आर फोर्स्ड टू द बॉटम। बॉटम की ओर उसको फोर्स कर दिया गया, किसको, वाटर एंड प्रोटीन को, एंड द लाइटर पार्टिकल दैट इज क्रीम स्टे एट द टॉप। क्रीम टॉप पे ही रह गया, दस क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। तो इस तरह से क्रीम और मिल्क सेपरेट हो गया। ओके, तो इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।